क्या नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं? सो आज के वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हाउ कैन यू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या एक टेक फील्ड में टेक जॉब कैसे ले सकते हो? अब जनरली दो तरीके होते हैं। एक तो इफ़ यू आर समवन हु इज फ्रॉम अ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, या तो आपको एक टेक डिग्री कर लो, टेक कोर्स कर लो, टेक स्किल कर लो, या फिर आप खुद से एक सेल्फ डेवलपर वाला पाथ भी चूज कर सकते हो, जिसमें आप सारी चीज़ें खुद से कर रहे हो, सारी चीज़ें खुद से सीख सकते हो। अब बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर टेक फील्ड में जाना है, तो कौन से बेसिक चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है DSA। DSA इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब चाहे आपको एंड्रॉइड इंजीनियर बनना हो, चाहे iOS इंजीनियर बनना हो, चाहे एप्लीकेशन इंजीनियर बनना हो, किसी थोड़े बहुत लेवल का DSA आपको आना ही चाहिए। सब इंटरव्यूज में, सब कंपनीज में एंड सब लाइक जॉब प्रोफाइल्स में जरूरी होता है। अब आपको iOS इंजीनियर बनना हो तो आपको iOS स्पेसिफिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको एंड्रॉइड इंजीनियर बनना हो तो एंड्रॉइड स्पेसिफिक चीज़ें सीखनी होंगी। सो इंडिया में एक पहले प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब भी थोड़ी बहुत तो है, मोस्टली कंपनीज जो है ना वो बिना डिग्री के आपको अलाउ नहीं करते हैं टू लाइक गिव इंटरव्यू फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसको सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक है कि आपको एक ऑनलाइन डिग्री कर लो, जिससे आपको सेम सर्टिफिकेशंस मिल जाएं एंड यू कैन परस्यू लाइक योर फेवरेट करियर और द करियर यू आर इंटरेस्टेड इन, इफ़ यू लाइक हैव दैट पर्टिकुलर डिग्री। सो एक डिग्री के बारे में आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, विच यू कैन डेफिनेटली चेक आउट एंड वो आप परस्यू कर सकते हो, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड आराम से आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू टेक द पाथ टू, तो मैंने आप अभी रिसेंटली ना एक A to Z रोड मैप बनाया था, जिसमें मैंने सब चीज़ें बताई कि कैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, चाहे आपको अभी करंटली जीरो नॉलेज हो, एंड उसमें मैंने आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज, फ्री पाथ वगैरह दे दिए थे। सो उस वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, यू कैन चेक दैट आउट। अब जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको कोर्स करना है या फिर डिग्री करनी है। ऑनलाइन डिग्री में एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डिग्री में बेसिकली आपको वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो एक्चुअली एक ऑफलाइन डिग्री में सिखाई जाती हैं, इफ यू आर डूइंग इट ऑनलाइन। एंड जनरली जो एक सर्टिफिकेशन होता है, कोर्स होता है, वो एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ का होता है एंड दैट इज़ नॉट दैट मच वैल्यूएबल कंपेयर टू अ डिग्री। अगर आप डिग्री करते हो तो उसकी डिग्री वाली वैल्यू होती है, सर्टिफिकेशन की मोस्टली जगहों पे इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती है। सो सर्टिफिकेशन में कोर्सेज में जनरली आप ना स्किल्स सीख रहे हो, तो स्किल्स की वैल्यू होती है, सर्टिफिकेट की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो आपको ना रियल वर्ल्ड सिनेरियो में स्किल्स को अप्लाई करके बेसिकली जॉब मिल रही होती है या फिर आप इंटरव्यूज वगैरह क्लियर कर रहे होते हो, उस सर्टिफिकेट को कोई नहीं पूछता है। ऑन द अदर हैंड डिग्री एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। डिग्री लोग पूछते भी हैं, डिग्री आजकल इंडिया में हर जगह लाइक यूज भी होती है एंड इंपॉर्टेंट भी है काफी ज्यादा। सो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपने बिट्स का नाम तो पक्का सुना ही होगा। बिट्स इन जनरल ऑफलाइन तो काफी सारी डिग्रीज कराता है, BE, BME कराता है, बट ऑनलाइन इसकी कोर्सेरा के साथ एक BSc इन कंप्यूटर साइंस डिग्री है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बिट्स की डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बिकॉज बिट्स इज अ वेरी हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड वहां पे आपको जो डिग्री मिल रही होती है, जो स्किल सिखाए जाते हैं, वो इंडस्ट्री लेवल लाइक आर्ट पार विद एवरीथिंग है। बिट्स ग्रेजुएट्स हैव फाउंडेड मोर देन 900 स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड उनमें से 13 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। कुछ यूनिकॉर्न्स के तो आपने नाम भी सुने हुए होंगे, फॉर एग्जांपल स्विगी हो गया, बिग बास्केट हो गया, जीटा हो गया, MPL हो गया एंड ग्रो हो गया। एंड इन कंपनीज ने टिल डेट 16 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग रेज करी हुई है विद फ्रॉम मोर देन 1500 इन्वेस्टर्स। इस डिग्री से ग्रेजुएट करने के बाद आप एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो, जो बिट्स के एल्युमिनाई है उनका। अब बिट्स के जो एल्युमिनाई है वो अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा फोड़ रहे हैं, लाइक दे हैव फाउंडेड मल्टीपल स्टार्टअप्स, दे आर साइंटिस्ट एट बिग कंपनीज एंड लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ कंपनीज में अच्छी अच्छी पोजीशंस में भी है। सो एक वो बहुत अच्छे नेटवर्क का एक पार्ट बन जाते हो। इस वाली डिग्री में एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, जो आपको ऑन कैंपस फैकल्टी मिल रही होती है, वो सेम फैकल्टी आपको इस कोर्स में भी मिल रही होती है, वो सेम फैकल्टी आपको पढ़ा रही होती है थ्रू आउट द कोर्स। एंड अगर आपको नहीं पता तो बिट्स की जो एक्चुअल ऑन कैंपस कॉस्ट है, दैट गोज फ्रॉम 20-25 लाख रुपीज। यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल ऑफ दैट अमाउंट में सेम फैकल्टी मिल रही होती है। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पे 85% से ज्यादा जो आपके फैकल्टी होने वाला है वो PhDs हैं। अब बिट्स प्लान इज वन ऑफ द ओनली 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस वाले प्रोग्राम में जो आपका इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सपोर्ट होने वाला है, वो बिट्स के थ्रू ही होने वाला है। इस डिग्री में आपको इंटर्नशिप सपोर्ट के साथ साथ करियर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। करियर सर्विसेज का एक्जैक्टली मतलब क्या है कि आपके सेशन वगैरह हो रहे होंगे, जिसमें आपको रेज्यूम कैसे बनाना है, आपको रेफरेंस वगैरह कैसे लेना है, आपको अप्लाई कैसे करना है, हायरिंग मैनेजर्स को कैसे रीच आउट करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अभी करियर सर्विसेज आपके थर्ड और फोर्थ ईयर में स्टार्ट हो रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैक यू हैव चूजन। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ना PIEDS का सपोर्ट मिल जाता है, अगर आपको इंक्यूबेट करना है अपना स्टार्टअप, अगर आपको स्टार्टअप वगैरह बनाना है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे आपको इंक्यूबेशन सपोर्ट मिल जाता है एज वेल एज गाइडेंस भी मिल जाता है, कैसे आपको अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना है, अगर आपको कुछ बीच में फंडिंग वगैरह रेज करनी है तो कैसे आप कर सकते हैं। एंड बिट्स के लिए मैंने इतने सारे स्टार्टअप्स बनाए हुए हैं, तो एक बहुत अच्छे नेटवर्क के साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिल जाती है थ्रू लाइक अमेजिंग मेंटर्स। एंड बहुत सारी कंपनीज का आपने नाम भी सुना होगा जो इस वाली इंक्यूबेशन सेंटर से स्टार्ट हुई है, वन ऑफ द नेम इज रेडबस। एंड यहाँ पे आपको जो गाइडेंस एंड
मेंटरशिप मिल रही होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AWS, Zoho एंड इस टाइप की कंपनीज के लोगों से मिल रही होती है, दोज हु आर एट अ वेरी गुड पोजीशन एंड दे हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ. एक तो आपको वहां से मोटिवेशन मिल जाती है, इंस्पिरेशन मिल जाती है एंड गाइडेंस भी मिल जाती है. सो दिस इज वेरी गुड फॉर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड अगर बिट्स का सपोर्ट मिल जाता है उस जर्नी में तो उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है. अब इन्होंने इस डिग्री को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया. अगर आप कोई और डिग्री भी कर रहे हैं कॉलेज में अभी तो भी आप इसको कर सकते हैं. अगर आप अभी करंटली जॉब कर रहे हैं तो भी इस डिग्री को कर सकते हैं. अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं उसके साथ आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए तो भी आप कर सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट. इस डिग्री में आप मल्टीपल पॉजेस ले सकते हैं. अगर आपको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को परस्यू करना है, आपको एक दो साल का ब्रेक लेना बीच में, तो आप ले सकते हैं. जनरली ये जो डिग्री है वो 3 साल की, इसको आप 6 ईयर्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं. यहाँ पर आपको एक एग्जिट ऑप्शन भी मिल जाता है. अगर आप सेकंड ईयर में एग्जिट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं. तो आप यहाँ पर आपको डिप्लोमा मिल जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इफ यू लीव आफ्टर 2 ईयर्स. अगर आप ये नहीं करते, अगर आप 3 साल बाद देते हो तो आपको BSc इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिल जाती है. एंड इफ यू एक्सटेंडेड फॉर 4 ईयर्स, अगर आप 2 सेमेस्टर्स और करते हैं, सो फाइनली आपको ना BSc ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है इन कंप्यूटर साइंस. सो अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से वेबसाइट पे जाके ना सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर लेते हैं. एक बार आपको करिकुलम दिखा देता हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं वो सब भी देख लेते हैं एंड थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा हमें. So as you can see, the application for January 2024 cohort are now like open. ये इनकी जो last date to apply is 12th of January. So अगर आप अभी decide कर रहे हैं, अगर करना चाहते हो जल्दी से जाके आपको apply कर देना चाहिए. And it's a recognized 3 years bachelor's degree, ठीक है. यहाँ पे जो इसकी फीस होती है वो 3.1 लाख रुपीज़ होने वाली है. अगर आप इंडिया से बाहर से कर रहे हैं तो उसकी जो USD में फीस है दैट इज़ $4,000 to $6,000 डिपेंडिंग आप कौन से ईयर में एग्जिट ले रहे हो, अगर आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है. As you can see, you can finish this degree from 3 to 6 years. It's 100% online and it's taught in English. Next question आ जाता है, who is this degree for? So if you are currently in high school, अगर high school के बाद आपको graduate होने के बाद ये degree करनी है तो आप ये कर सकते हैं. इसके अलावा if you are enrolled in some another degree but you want to get a degree from computer science की degree चाहिए वो भी BITS से चाहिए, so you can do it. It's also for working professionals who are working in XYZ company and उनको या तो IT field में switch करना है या फिर अपने skills को improve करना है to get a better raise or better job, they can also pursue the same. If you are a business owner, you can also do that. And like if someone wants to switch to IT from a non-IT background, they can also do that. इसमें बिल्कुल maths की कोई minimum requirement वगैरह नहीं होती है, so उसकी problem नहीं आने वाली. अब how you can apply and enroll, आपको बस जो link description में उस पर जाके click करना है and apply now पे click कर देना है. बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है नहीं. वहां पर कुछ डिटेल्स वगैरह होंगी वो आपको फिल करनी होंगी एंड यू आर गुड टू गो. अब एक बार ना इसका डिटेल्ड करिकुलम भी चेक कर लेते हैं. मैं आपको बताता हूँ कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली लाइक कंप्यूटर साइंस वाली, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है फ्रॉम NSIT, सो वो सेम सब्जेक्ट्स होते भी हैं नहीं होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट. सो यहाँ पे ना आपको सारी डिटेल दी गई है कि आपके फाउंडेशन कोर्सेज कौन से होने वाले हैं, कोर्सेज कौन से होने वाले हैं, इलेक्टिव्स कौन से होने वाले हैं एंड सेमेस्टर ब्रेकअप दिया हुआ है. सो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स, बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, राइटिंग प्रैक्टिसेस. सो जनरली यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग करा दिया जाएगा, बेसिक एक लैंग्वेज सिखा देंगे, लैंग्वेज के बाद आपको थोड़ा बहुत कोड करना आ जाएगा. इसके साथ साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जनरली ना, फॉर मी इट वॉज इन सेकंड सेमेस्टर अगर मेरे को अच्छे से याद है तो, यहाँ पे वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो जाता है. सो आपको कुछ कुछ चीज़ें ना स्टार्टिंग में करा दी जाती हैं. लीनियर अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन भी यहीं पर सिखा दिया है. नेक्स्ट जो सेकंड सेमेस्टर आ जाता है उसमें बेसिकली आपके जो कोर वाले सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे मोस्टली हो जाएंगे. इट विल इंक्लूड DSA, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग DSA आपके इंटरव्यूज में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सो इट्स गोना हेल्प यू फॉर श्योर. उसके बाद प्रोबेबिलिटी, कमांड लाइन इंटरफेस एंड स्क्रिप्टिंग एंड इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, यहाँ पे आपको लॉजिक बिल्डिंग वगैरह सिखा देगा. अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में बेसिक एल्गोरिथम सिखाई जाती है. फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको एल्गोरिथम डिजाइन सिखाया जाएगा कि आपको खुद से कौन सी एल्गोरिथम्स कैसे बनानी होती हैं. फिर उसके बाद आपको रिलेशनल डेटाबेस सिखा दिया जाता है, DBMS सिखाया जाता है. DBMS की भी बहुत ज़्यादा लाइक इंटरव्यूज में इंपॉर्टेंस होती है. जनरली जब आप इंटरव्यू देते हैं ना तो OS, DBMS, OOPS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम DSA. सो इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर लेना, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है. इसके साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स भी सिखाए जाते हैं. आजकल थोड़ा थोड़ा लाइक इंटरव्यू पैटर्न चेंज होता जा रहा है, सो जो आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं. इन जनरल इफ यू वांट टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दीज कोर्सेज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसके बाद आपको फोर्थ सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम सिखा दिया जाएगा, बिल्डिंग डेटाबेस एप्लीकेशन सिखा दिया जाएगा, ये प्रोग्रामिंग, मोबाइल डिवाइसेज, एनवायरमेंटल स्टडीज, फॉर्मल लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन एंड बाकी आप डिटेल्स ना चेक कर सकते हैं. तो 5th और 6th सेमेस्टर तक आपके मोस्टली जो होते हैं वो सारे कोर्सेज खत्म हो जाते हैं. इसके बाद आप ऑप्शनल्स वगैरह ले सकते हैं एंड इफ यू वांट टू एक्सटेंड योर डिग्री एंड ऑनर्स की डिग्री करनी है तो आपके पास 7th और 8th सेमेस्टर का ऑप्शन आ जाता है, दैट यू कैन डेफिनेटली
डू। अब जैसे यहाँ पे ना जनरली चार लाइक स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स हैं जिनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो वन ऑफ देम इज एप्लीकेशन डेवलपर, सेकंड वन इज कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग, थर्ड वन इज डेटाबेस एंड डेटा एनालिटिक्स, एंड फोर्थ वन इज एल्गोरिथम एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। सो इसके हिसाब से ना आप अपने लाइक पसंद के कोर्सेज ले सकते हो। जैसे हमारे पास भी यही ऑप्शन होता था जब हम फोर्थ ईयर में होते थे ना, तो फोर्थ ईयर में वी हैड इलेक्टिव्स, इलेक्टिव जो हमें चूज करने होते थे, जिस टाइप के सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं वो सब हम पढ़ सकते थे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। इसके अलावा असेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना आपकी ऑनलाइन ग्रेडेड क्विजेज होती रहेंगी थ्रू आउट योर कोर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मतलब डिग्री कैसे मिलेगी अगर आपकी क्विजेज नहीं हो रही है, सो यू विल गेट अ सीजीपीए एट द एंड ऑफ द डे, एंड वो इन ऑनलाइन ग्रेडेड क्विजेज के साथ होगी। फिर आपको असाइनमेंट्स, केस स्टडीज वगैरह मिलती रहेंगी, लैब एक्सरसाइज मिलती रहेंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फिर एक फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम भी होगा एंड में, जो आप क्लियर कर लोगे सो दैट यू विल क्लियर दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर। अब इसके लिए आपको बेसिक एक लैपटॉप तो जरूरी है, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हो तो लैपटॉप इज अ नेसेसिटी, वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड प्रॉक्टर्ड एनवायरनमेंट में आपका टेस्ट वगैरह पूरा होगा। एंड ग्रेडेड असेसमेंट्स के साथ साथ आपके प्रैक्टिस क्विजेज भी होते रहेंगे, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड लाइक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, एंड इन जनरल आपको पता चलता रहे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो थ्रू आउट द कोर्स। अगर आपको बीएससी ऑनर्स की डिग्री करनी होगी तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक ट्रैक को चूज कर सकते हो। यू कैन बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, यू कैन बिकम अ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट, और क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह में आप अपना लाइक लास्ट ऑनर्स वाला सेमेस्टर और ईयर यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली एआई या मशीन लर्निंग, सो तीनों बहुत अमेजिंग फील्ड्स हैं, तीनों बहुत ज्यादा बूमिंग फील्ड्स हैं। कोई भी अगर आप चूज करोगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प होने वाली है उसमें भी। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्यूशन फीस एंड एकेडमिक्स में। जनरली जो आप देख सकते हैं इंडियन सिटीजन के डिप्लोमा की फीस आपकी बता रखी है बीएससी कंप्यूटर साइंस की, एंड फाइनली बीएससी ऑनर्स की फीस भी बता रखी है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक्सेस मिल जाता है 3000 से ज़्यादा कोर्सेज का जो कोर्सेरा पे लाइक होस्टेड है फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। सो अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप वो सब भी परस्यू कर सकते हो विद द डिग्री यू आर डूइंग राइट नाउ। सो कोर्सेरा के बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है इफ़ यू टेक दिस डिग्री, इफ़ यू डू दिस डिग्री। सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यू गेट टू लर्न नंबर ऑफ थिंग्स, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज़ें भी सीख सकते हो। यहाँ पे आप ना इस वाले टाइप पे आप जाके थोड़ा स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस वगैरह चेकआउट कर सकते हो। आपको इस यहाँ पे जाके पता चलेगा किस टाइप के स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ है, वो भी क्या कर रहे हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस वगैरह रहा है, एंड यू कैन चेक दिस आउट। एंड करियर्स एंड इंटर्नशिप्स के, जैसे मैंने पहले बात ही कर ली थी, आपको इंटर्नशिप सपोर्ट मिल जाता है, आपको बता दिया जाएगा कैसे अप्लाई करना है, एंड सपोर्ट भी मिल जाएगा फ्रॉम द लाइक एकेडमिक्स टीम देयर। एंड साथ साथ करियर सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ज़्यादा डिटेल्स आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड करियर आउटकम तो बेसिकली अब समझ ही गए होगे अब तक, इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और गेटिंग इनटू द टेक फील्ड। सो आपको जो करियर आउटकम है वो यही होने वाला है, या तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, फुल स्टैक इंजीनियर बन सकते हो, एप्लीकेशन इंजीनियर बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, मल्टीपल चीज़ें आपकी, जिस टाइप के ट्रैक आप चूज करोगे, जितने टाइम के आप डिग्री करोगे, डिप्लोमा करोगे या फिर जो भी करोगे, उस हिसाब से आपको लाइक फाइनल आउटकम समझ आ जाएगा। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, इट्स अ वेरी गुड लाइक ऑप्शन फॉर पीपल हु वॉन्ट टू परस्यू अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, एंड जिनको ऑफलाइन जाने का टाइम नहीं, या फिर एज निकल गई है, या फिर अभी कुछ और कर रहे हैं साथ में एक और डिग्री करनी है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। एंड इसके साथ साथ एलुमनाई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बिट्स के बहुत क्रेजी हैं, लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी हुई हैं अपनी लाइफ में, सो यू कैन सी सम ऑफ द नेम्स हेयर, एंड यू विल गेट द एक्सेस टू अ वेरी क्लोज्ड एलुमनाई नेटवर्क ऑफ बिट्स, एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एंटरप्रेन्योर। सो आपको बिट्स नेटवर्क का हेल्प मिल जाता है जब आपको अपना पहला सीड राउंड रेज करना है या फिर फंड्स वगैरह रेज करना है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर। एंड या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द डिग्री, द लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।